हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये एक एडिटोरियल आया है, एन इकोनॉमिक कॉरिडोर द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स। तो ये हम देखते हैं क्या है। द 2023 समिट ऑफ G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी वेंट एक्सेप्शनली वेल गिवन द ग्रुप लिमिटेड इकोनॉमिक अप्रोच टू द कॉम्प्लेक्स इशू दैट द वर्ल्ड फेसेस फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एंड द अंडर डेवलपमेंट वेल्थ कंसंट्रेशन एंड पॉवर्टी एंड मोस्ट क्रिटिकली ऑफ आवर टाइम फेसिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पीस। तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से हुआ है अपना, देखते हैं। इंडियाज रिमार्केबल सक्सेस एज द समिट दिस ईयर इन अर्ली सेप्टेम्बर वॉज कैप्चर्ड बाई द ग्लोबल प्रेस एक्सेप्ट इन चाइना फॉर वेरियस आउटकम्स सच एज द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20। ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई। अ टेंजिबल ऑफर ऑफ क्लीन एनर्जी थ्रू अ बायोफ्यूल अलायंस, ये दूसरी सबसे अच्छी चीज़। देखिए, ये पहली, ये दूसरी। एन इंक्रीज इन सब्सटेंशियल एड फॉर एशिया अफ्रीका एन इकोनॉमिक कॉरिडोर डेट कनेक्ट्स इंडिया। तो ये थर्ड सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। वेस्ट एशिया एंड यूरोप यूजिंग एन एम्बिटियस रेल एंड शिपिंग लिंक एंड द दिल्ली डिक्लेरेशन विच वॉज अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप। ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट आ गया। तो ये बता रहे हैं हमारे में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। अ कैंडिड व्यू देखते हैं। अ जॉइंट स्टेटमेंट कॉल द दिल्ली डिक्लेरेशन इज न्यूज वर्दी बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड पावर स्ट्रगल बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विथ चाइना और द यूएस विथ रशिया। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ चाइनाज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन एट द समिट, इंडिया स्टिल गॉट देयर एग्रीमेंट फॉर द डिक्लेरेशन विथ सम्स अप अचीवमेंट। तो उनके ना रहने के बाद भी उनका हमने हामी भरवा ली कि भाई जॉइंट स्टेटमेंट हमें क्या क्या बोलवाना था, हमने एग्री करवा लिया, तो वो इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है। सब्सटेंशियली स्पीकिंग द स्टेटमेंट इज पर व्यू द हर व्यू वर्ड ऑफ कैरेक्टरलेस थिंग। देखते क्यों रियल बेनल हेयर एज इट डज नॉट नेम रशिया फॉर एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन बट इट डज इवोक द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। एन इंडियन ऑफिशियल रिवील द रेसिपी फॉर दिस ओवर अपलोड कलेक्टिव स्टेटमेंट। इंडिया नीडेड अ टेक्स्ट दैट हैड समथिंग फॉर एवरीवन। ठीक है, समथिंग फॉर एवरीवन सो दैट ईच मेंबर कैन गो बैक विथ अ विन, कि सब लोग को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिले, इसलिए इंडिया का टेक्स्ट ही ऐसा था दैट हैड समथिंग फॉर एवरीवन। देखते हैं। बट द बोल्डेस्ट आउटकम द एन एंड अनएंटिसिपेटेड बाय मैनी वॉज द अनाउंसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप ऐसे ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ अ रेल शिप रूट टू ट्रांसपोर्ट गुड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया वाया द यूनाइटेड अरब एमिरेट सऊदी अरेबिया जॉर्डन इजराइल। तो ये आप कंट्रीज, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सच अ प्रोजेक्ट विल चेंज द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर। कैसे? द फैक्ट दैट इट चैलेंजेस इंडिया चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम लोग BRI बोलते हैं, चाइना के BRI को इसने चैलेंज किया है। किसने? अपने इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ने, मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ने। ठीक है, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट US प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल्ड इट अ रियल बिग डील। ठीक है, विच इज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज इन्वॉल्व एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वॉज प्रॉम्प्टेड टू शो द इसराइल हैज बीन ईगर टू पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट। सो ये तो मतलब खुशी खुशी बोले भाई हम तो है ही। इंटरेस्टिंगली इन द स्टेटमेंट मिस्टर नेथन याहू थैंक्ड मिस्टर बाइडन एंड डिड नॉट मेंशन मिस्टर मोदी फॉर दिस आइडिया एंड इनिशिएटिव टू विच इजराइल विल प्रोवाइड ऑल इट्स स्किल एंड सपोर्ट। मिस्टर नेथन याहू इज फॉरबिडन फ्रॉम डिप्लोमेटिक ट्रॉफीज ड्यू टू हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड नॉट पेइंग अटेंशन फॉर लॉन्ग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस्टर बाइडन फॉरन पॉलिसी गोल। इफ ही परसिस्ट ऑन दिस पाथ इसराइल फॉरन पॉलिसी विल सफर। द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद सऊदी अरेबिया एंड प्री कंडीशन फॉर द इकोनॉमिक कॉरिडोर टू मटेरियलाइज। अब देखिए, इसराइल एब्सेंस पॉसिबल फैक्टर। इन दिस रिपोर्ट ऑन द G20 अरब न्यूज फाउंड दैट द इंडियाज G20 लीडर समिट हैड एन अनप्रेसिडेंटेड मिडल ईस्टर्न प्रेजेंस। इंडिया सेट अ प्रेसिडेंट इन G20 हिस्ट्री बाय इन्वाइटिंग द मोस्ट मिडल ईस्ट कंट्रीज एवर टू टेक पार्ट एज अ गेस्ट इन अ ग्रुप की समिट एंड वन वंडर वाई इसराइल इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑल्सो फ्रॉम द रीजन वॉज नॉट गिवन सच एन इन्विटेशन। तो इसराइल को इन्विटेशन नहीं था। एज अ होस्ट इंडिया इन्वाइटेड 9 नॉन मेंबर कंट्रीज बांग्लादेश इजिप्ट
मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द यूएई टू द समिट। इट इज ऑल द मोर परप्लेक्सिंग व्हेन द इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज टू बी अनाउंस्ड एट द सेम समिट एंड इजराइल इज पार्ट ऑफ द प्लान। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर नेतन्याहू शेयर्ड अ गुड फ्रेंडशिप। परहैप्स फैक्टर सच एज मीट बिटवीन सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड मिस्टर नेतन्याहू मे हैव बीन इम्पॉसिबल अनलेस देर वॉज डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन। मिस्टर बाइडन माइट हैव ऑल्सो प्रेफर्ड एन इवेंट विदाउट मिस्टर नेतन्याहू बिकॉज ही हैज अवॉइडेड हिम फॉर लास्ट 8 months ड्यू टू हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज। तो आप देखिए, क्योंकि हम लोग को सऊदी प्रिंस से मिलना था और अभी उन लोगों के सऊदी प्रिंस और नेतन्याहू के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए शायद हमने उसको नहीं बुलाया। और बाइडेन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आखिरी 8 महीने से वो भी उनको डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर इग्नोर ही कर रहे हैं। अ पुश फॉर पीस। सऊदी अरेबिया इज विलिंग टू एंड द डिप्लोमेटिक बॉयकॉट फॉर इसराइल। इट इज़ अ हिस्टोरिकल चेंज बिकॉज सच एक्सेप्टेंस ऑफ इसराइल बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियसली स्पीकिंग मुस्लिम कंट्रीज विल हेल्प इसराइल विद अदर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान ऑलरेडी विलिंग इंडोनेशिया एंड मलेशिया फॉर सच अ चेंज। सऊदीज डिमांड दैट इसराइल कमिट्स टू द टू स्टेट सोल्यूशन एंड द वेल बींग ऑफ पैलेस्टीन पीपल इवन इफ द ऑक्यूपेशन डज नॉट एंड सून। करेंटली ऑन द साइड लाइन ऑफ यूएन जनरल असेंबली सऊदी अरेबिया इन पार्टनरशिप विद द अरब लीग एंड द यूरोपियन यूनियन हैज जॉइंट फोर्स विद इजिप्ट एंड जॉर्डन टू लॉन्च अ पीस डे एफर्ट एम डे इंसेंटिवाइजिंग इसराइलीज एंड पैलेस्टाइन लीडर टू कॉम्प्रोमाइज। द इसराइल पैलेस्टाइन पीस इज अ वेरी चैलेंजिंग एम टू गिव द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ साइड एक्सट्रीमिज्म इन बोथ ऑन द बोथ साइड। इट अपियर्स दैट ऑल द मोर इम्पॉसिबल सऊदी अरेबिया इज अवेयर ऑफ इट एंड इज स्टिल इंटरेस्टेड इन हैविंग डेलीब्रेशन टू वॉक स्मूथली अमंग द अरब्स एंड अदर मुस्लिम वाइल वर्किंग विद द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक पीस विद द स्टेट ऑफ इसराइल। द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विल हैव टू वेट अंटिल इट हैपेंस। तो आप देखो, यहाँ पे वही बहुत बात हो रही है, जो अपना कॉरिडोर है वो सऊदी अरेबिया और इसराइल के रिलेशंस को ठीक होने का वेट करेंगे क्योंकि ये दोनों उसमें हैं। अब देखिए, इस आर्टिकल में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए चीज़ें। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या चीज़ें, हमने इसको ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है क्यों भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। G20 समिट हमने क्या क्या अचीव किया है, ठीक है ठीक है। चाइना रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आए, कोई बात नहीं, हमने उनके बिना भी चीज़ें बहुत अच्छे से की, ठीक है। हमने यहाँ पे रशिया एग्रेशन यूक्रेन का नाम नहीं लिया ढंग से, पर हमने यूएन चार्टर को इन्वोक किया है, ठीक है। हमारे पास समथिंग फॉर एवरीवन था जिसलिए हमारा कंसेंसस भी आया है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आप देखिए, ये जगह से जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, ये आपके यूरोप में रेल शिप से इंडिया को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी। नेतन्याहू यहाँ पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी को थैंक यू नहीं बोला, बाइडेन को थैंक यू बोला। हमने सबको बुलाया था, इतने कंट्रीज़ को हमने बुलाया था। आप देखिए, 9 नॉन मेंबर्स को बुलाया था, इसराइल को नहीं बुलाया था। क्यों? क्योंकि हमें सऊदी प्रिंस से थोड़ी बातचीत करनी थी और नेतन्याहू आते तो हो सकता था इशू कुछ और हो जाता। बाइडेन भी उसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी ऐसी है। तो वहाँ पे सऊदी और इसराइल अपना रिलेशन ठीक करने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहा है सऊदी प्रिंस भी। और जब तक ये रिलेशन सऊदी का और इसराइल का ठीक नहीं होगा, अपना ये जो कॉरिडोर है उस पर काम इतने अच्छे से स्टार्ट नहीं होगा, दोनों साथ में चाहिए हमें। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।